हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो भाई, अगर आप मुंबई में रहते हो तो भाई नाचना शुरू कर दो। आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज एंड एकदम ब्रेकिंग न्यूज, इम्पोर्टेंट अपडेट के अपडेट का न्यूज लेके आया हूं मैं आप लोग के लिए रिगार्डिंग जो मुंबई सिटी, मतलब मुंबई सिटी भाई नवंबर 6 को अल हिलाल के साथ खेलने वाले, जिसमें नेमार, कुलीबाली, बहुत ऐसे बड़े बड़े प्लेयर उनके अगेंस्ट खेलने वाली है। उसका जो वेन्यू है उसका चेंज हो चुका है। एंड भाई, जब भी हम सबको मालूम पड़ा था कि भाई नेमार आएगा पुणे में, बिकॉज वेन्यू पहले सिलेक्ट हुआ था पुणे, तो भाई पुणे के बाद ऐसा डिक्लेयर होने के बाद बहुत लोग जो मुंबई में रहते हैं, जैसे कि अंधेरी वगैरह सब हो गया, तो बहुत नाराज हो गए थे भाई कि कौन ट्रैवल करेगा पुणे। ठीक है, कौन ही ट्रैवल करेगा पुणे। फिर भाई फैंस ने आवाज उठाई, फैंस ने बोला कि भाई प्लीज यार, प्लीज मुंबई में कर दो यार, प्लीज मुंबई में कर दो। तो भाई एट लास्ट मुंबई सिटी ने हमारी फैंस की सुन ली। एंड ऑब्वियसली भाई अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि है अपना अंधेरी क्या फुटबॉल अरीना, उस वहां पर तो नहीं किया है, बट भाई साहब डीवाई पाटिल स्टेडियम, जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई ये वेन्यू है। तो भाई मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल का जो मैच है वो पहले जब पुणे में खेलने वाला था, बट अभी वो चेंज हो चुका है एंड ये मैच मुंबई वर्सेस अल हिलाल का जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा भाई डीवाई पाटिल स्टेडियम में, जो कि है नवी मुंबई। और भाई साहब खतरनाक, बहुत मजा आ गया भाई। एंड यहाँ पर जो भी अंधेरी है, बोरीवली, ये सब जो एरिया है बांद्रा, तो वहां पर अगर जो भी रह रहे हैं, मतलब वहां के लोग जो देख रहे हैं भाई, उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज सी, एक दो चीज अलग है। देखो, एक चीज है कि भाई पुणे ट्रैवल करना वो अलग बात है, एक है कि नवी मुंबई ट्रैवल करना वो बहुत ही अलग बात है। बिकॉज सी, पुणे किधर है, नवी मुंबई किधर, तो नवी मुंबई तो डेफिनेटली भाई लोग कैसे कैसे जा सकते हैं एंड दैट्स रियली क्रेजी भाई, रियली रियली क्रेजी। अब बात है भाई कि मुंबई वाले ने चेंज क्यों किया। सी, मुझे ऐसा लगता है, ये सी मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई मुंबई जो मेन मुंबई है ना, पुणे ने, ठीक है, मेन जो मुंबई है ना, वो वहां पर ज्यादा फैंस है शायद से, मुझे लगता है कि मुंबई सिटी के, नॉट एज कम्पेयर टू पुणे। तो पुणे में इतने ज्यादा फैंस नहीं है एंड मुझे भी नहीं लग रहा, मुझे भी लग रहा था कि भाई कोई जाएगा। बिकॉज देखो, मेरे जैसे बहुत सारे फैंस है जिनका जाने का मन था, बट पुणे शिफ्ट हो गया तो भाई बहुत लोग ने मना कर दिया। लेकिन अभी नवी मुंबई भाई, तो डेफिनेटली भाई सब लोग जाएंगे एंड भाई जो पैक होगा ना भाई, एंड अगर स्टेडियम का कैपेसिटी का बात करें भाई 45,000, ऐसा बात चल रहा है कि भाई 45,000 का कैपेसिटी है, इट विल बी जैम पैक दोस्तों, इट विल बी जैम पैक। तो भाई रेडी रहिए भाई, मजा आने वाला है बहुत, और होपफुली सब लोग वहां पर जाके मैच देख सकते हैं। अगर आप टिकट्स के बारे में बात करें, 29 सितंबर ये जो आ रहा है, ये महीने की 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्री रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएंगे। तो डोंट वरी बडी, मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है भाई, इट्स गोना बी क्रेजी। एंड भाई मैं ये अपडेट सुन के बहुत ही खुश हो गया भाई। आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोग कितने खुश हो, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा भाई। एंड भाई ये भी बताओ कि अगर आप मुंबई से हो, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम लोग फॉलो करते रहेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।